नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। TV20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, जहां आपको जेनसेट पंप सेट के साथ साथ अब एक ही छत के नीचे मिलेगा प्लाईवुड, सटरिंग प्लाई, सनमाइका, दरवाजा, डोर स्क्रीन, हार्डवेयर, जेनसेट और मशीनरी पार्ट, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक वर्मा। और पता है वर्मा टावर नरौली तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। और मोबाइल नंबर है 9415207728 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9453016451। जिले भर में शुक्रवार को माहे रमजान के दूसरे जुमे की नमाज अदा की गई। नमाजियों ने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए दुआ की। आजमगढ़ नगर व ग्रामीण क्षेत्र की मस्जिदों में बड़ी संख्या में नमाजियों की भीड़ देखने को मिली। शुक्रवार दोपहर नगर की जमा मस्जिद ईदगाह, मस्जिद एक मिनारा, टेढ़िया मस्जिद आदि में जुमे की नमाज को बड़ी संख्या में नमाजी पहुंची। नमाज अदा करने के बाद रमजान के पाक महीने में कौम की सलामती और मुल्क की तरक्की की दुआ के लिए हजारों लोगों के हाथ उठे। बता दें कि मुस्लिम समुदाय द्वारा रमजान के दूसरे जुमे की नमाज अदा की गई। सभी ने खुशहाली और तरक्की के लिए मांगी विशेष दुआ। माहे रमजान के दूसरे जुमे को रोजेदारों ने मस्जिदों में नमाज अदा की। इस दौरान मुल्क और कौम की खुशहाली, तरक्की और अमन के लिए दुआ मांगी गई। आज रोजे का दूसरा जुमा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है कि इस्लाम ने मुसलमानों पर कुछ चीज़ें फर्ज रखी, करना ज़रूरी है तुमको, जैसे नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। तो ये नमाज तो 5 वक्त की पढ़ता है मुसलमान, हैं, लेकिन कितना परसेंट लोग पढ़ते होंगे? क्यों बोलो? नमाज सबके लिए फर्ज बनाई गई है 5 वक्त की, लेकिन कई परसेंट लोग नमाज पढ़ते होंगे। रोज़ा अल्लाह ने जितनी इबादतें रखी हैं, सबसे अफजल तरीन रोज़ा है। तो रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, रोज़ा आँख का भी है कि बुरी चीज़ को मत देखो, रोज़ा मुंह का भी है कि बुरी बात मत कहो, किसी को बुरा मत कहो, किसी से झगड़ा मत करो। रोज़ा जो है पूरे जिस्म का है कि अपने जिस्म को अल्लाह की रज़ा के लिए उसके मुताबिक ढाल लो, इसको कहते हैं रोज़ा। रोज़ा जब लोग एहतराम से रखते थे, जब रोज़ा उसकी असली पहचान में जो लोग रखते थे, तो यहाँ की बढ़ने वाली हिंदू आबादी वो भी रोज़ा का बड़ा एहतराम करती थी। रोज़े के महीने में हिंदू भाई जो है वो मुसलमानों को रोज़ा खोलने के लिए अपने घर बुलाते थे कि आप हमारे घर पर आ जाएं, रोज़ा हमारे यहाँ खोल लें, हमको भी सवाब मिलेगा। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अगर हम अल्लाह के बताए रास्ते पर रोज़ा रखें तो अल्लाह की जो खुशी हमको मिलेगी वो तो मिलेगी, अल्लाह के बंदों के दिल में भी हम बैठ जाएंगे। हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, हम बुरी आँख से किसी को देखेंगे नहीं, हम किसी से झगड़ा और लड़ाई नहीं करेंगे, हैं, तो वो हमारी इज्जत करेगा ना, हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्या कहना चाहिए? होना चाहिए ना। ठीक, देखिए, जुमा की कोई अलग से कोई फजीलत नहीं है, कोई अलग से विशेषता नहीं है। हाँ, जुमा की नमाज़ बड़ी होती है, इसको छोटी ईद कहा जाता है, छोटी ईद कहा जाता है। हमने जुमे की नमाज में पूरे आवाम के लिए सुख चैन के लिए, अमन शांति के लिए हमने दुआ मांगी, अपने लिए, अपने कौम के लिए, पूरे समाज के लिए अमन चैन कायम रहे और सारे लोग सुख शांति से रहें और रोज़ा के ढंग से जो उसका पालन करने का सही तरीका उसको पालन करते रहें।
आठवां रोज़ा? आज आठवां रोज़ा है, आज आठ रोज़ा पूरा हो जाएगा।